नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए है, हमारे लिए भी है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, एकाग्रता को किस प्रकार से अधिक वृद्धिशील बनाया जाए और हम कैसे फोकस करें, तल्लीन हो जाएं किसी कार्य को करने के लिए, डूब जाएं उसमें और उसका प्रतिफल बहुत अच्छा आएगा। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, यदि उनका एक गुण सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, संकेंद्रण। मैं ऋषि वेद व्यास को ले लें, वाल्मीकि को ले लें, वशिष्ठ को ले लें, चैतन्य महाप्रभु को ले लें, मीराबाई को ले लें, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस और आइंस्टाइन को, मैथमेटिशियंस लीलावती जैसी, और जो महान संगीतकार हैं रविशंकर जैसे, उनका सबसे बड़ा गुण एकाग्रता है। पहली बात तो ये कि जिस काम में आप एकाग्रता चाहते हैं उसमें आपको रुचि होनी ही चाहिए, उसको आप जरूरी माने। यू वॉन्ट टू मेक ए सक्सेस ऑफ इट, तल्लीन हो जाइए उसमें, उसके लिए स्पेशल टाइम निकालिए, रोज काम की लिस्ट बनाइए, 25 हो जाएंगे, 20 के अलग करिए, 5 के अलग करिए, एक है टू डू लिस्ट, एक है मस्ट डू लिस्ट, उसमें भी एक को चुन लीजिए, एक काम को, आज का दिन डेडिकेटेड द डे टू दैट पर्टिकुलर टास्क, एंकर टास्क कहते हैं उसको, उसके लिए स्पेशल टाइम दीजिए, वातावरण अच्छा करिए और आराम से बैठकर सीधे जो भी आपकी अवस्था हो, जैसा भी आप चाहें, काम को शुरू कर दीजिए। काम करते करते बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहिए, 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा टहल लीजिए, थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए, थकान नहीं होनी चाहिए। अरे थकान की बात हुई तो शरीर की बात भी करें, क्या कोई ऐसा खाना है जो लाभदायक है? हाँ, हरी सब्जियां, नट्स, मूंगफली, बादाम, किशमिश बहुत फायदेमंद है, विटामिन के, ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत फायदेमंद हैं और हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। अच्छा भोजन खाएं जो पौष्टिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम कार्य करें तो उसके टुकड़े कर लें, अर्थात पार्ट्स ऑफ द टास्क, और उसको एक एक करके करते चले जाएं सीक्वेंस में। किताब पढ़ने से पहले हम पूरी किताब, जो चैप्टर हम पढ़ना चाहते हैं, उसका शुरू से लेकर आखिर तक सारे सब हेडिंग्स और हेडिंग्स को पढ़ जाएं, कंक्लूजन को पढ़ जाएं, इंट्रोडक्शन को पढ़ जाएं, फिर किताब पढ़ें। आवश्यकता पड़ने पर नोट्स भी लें और अंडरलाइन भी करें, और हर 1-1.5-2 पेज पढ़ने के बाद किताब बंद करके सोचें, क्या आपने याद कर लिया, आपको समझ में आ गया? दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खुशनुमा रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, प्रसन्न रहिए, चिंताग्रस्त ना हो, परेशान ना हो, कल्पनाएं ना करें, बस हियर एंड नाउ, आप जो काम कर रहे हैं केवल उसमें फोकस होना बहुत जरूरी है। इट्स एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर अस टू फोकस ऑन द थिंग एट हैंड, और यदि हम उसको काम को करने के बाद उसका मूल्यांकन करें, क्या लाभ हुआ, तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप काम करने का एक तरीका यह है कि आप देखें कि आज के दिन मुझे इस काम के लिए क्या करना है। मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने दंड बैठक लगाएंगे, वॉकिंग कर रहे हैं, कितने मील चलेंगे, यदि आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कितने पेज पढ़ेंगे, और हर चीज का दिमाग में हिसाब होना चाहिए, वेदर यू आर गेनिंग फ्रॉम इट। विवेकानंद को देखिए, जब पढ़ते थे तो सब कुछ उनको याद हो जाता था, और अपने डिस्ट्रैक्शंस को हम दूर कर दें, मोबाइल ना हो हमारे पास आसपास, बंद कर दें, साइलेंट कर दें, और एकांत हो तो बहुत ही अच्छा है। भीड़ में नहीं एकाग्रता होती, निश्चित समय पर बैठकर जो कार्य करना है संपन्न करते हैं, निश्चित रूप से लाभ होता है। प्राणायाम निश्चित रूप से लाभदायक होता है एकाग्रता बढ़ाने में, मेडिटेशन, ध्यान, पूजा, ईश्वर की आराधना, अच्छा अध्ययन, उपन्यास को पढ़ना, कहानियों को पढ़ना, और इंपॉर्टेंट बात यह है कुछ ऐसी चीजें करें जिनसे एकाग्रता बढ़ती है, जैसे बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना, बॉल फेंकना, बच्चों के साथ खेलना, सुई धागा अर्थात सुई में धागा डालना,
डिक्शनरी को देखना, वर्ड्स को देखना, किसी विशेष शब्द के अलग अलग अर्थ देखना, नोट करना और कोशिश करना कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका टोटल मन लग जाए। अभ्यास करते चले जाइए और लाभदायक हो सकता है हमारे लिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए सुडोक्यू, क्रॉसवर्ड पजल्स, माइंड गेम्स, अच्छे वीडियो गेम्स और 3 से 5 मिनट तक कम से कम पलकें झपकाना, किसी मूर्ति को देखना, हमारी जो नाक की टिप होती है उसकी ओर देखना, दोनों आईब्रोज के बीच के स्थान को देखना, प्रैक्टिस करना, इन सबसे एकाग्रता बढ़ती है और वो संभव है आपके लिए भी, हम सब के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका है इसको संपन्न करने में, अपने आप को रमा डालिए, डूब जाइए उसमें और फिर देखिए क्या प्रतिफल होता है। जब भी संकट आता है, जब भी क्राइसिस होती है और जब कोई चीज करनी है हमें सामने आ जाती है, जैसे परीक्षा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। नमस्कार।